आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। तो आज मुझे आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि माई बिग बी इज़ गेटिंग मैरिड। तो आज मैं आई हूँ उसकी शादी के कार्ड बांटने, और सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में मैं कार्ड देने आई हूँ। तो मैं आई हूँ आज अंजलि के घर, तो हम जा रहे हैं अंजलि के घर और हम मिलेंगे आंटी को और शीरो को, क्योंकि अंजलि तो जॉब पर है, इसकी अंजलि तो है नहीं। तो अंजलि की बहन, ये छोटू छोटू भी आ रहा है इसके पीछे पीछे। ये है, मैंने शीरो की तैयारी कर ली है, नहीं तो शीरो मेरा पूरा सूट तबाह कर देता। मैंने मुझे इतना टाइट कर काम नहीं आ रही वैसे। बस यहाँ तक वो चढ़ेगा तो मेरे बाल नहीं लगेंगे, नहीं तो बाल बाल। चलिए गाइस, शीरो से मिलते हैं। आज मैं लाइक हां जी मेल के साथ मेल खुश ही रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना? तेरे साथ शांत है और मेरे साथ सारा हंगामा मेरे साथ ही करना होता है, सारा हंगामा इसने मेरे साथ ही करना होता है ना। मेरे साथ नहीं आया था शांत, मेरे साथ नहीं रहा जा रहा था। हाँ, इसके साथ शांत रहना। ओ देख बोला इसको देख। हेलो 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 करो हेलो करो, गुड गुड शीरो गुड, हेलो करो हेलो करो हेलो हेलो गुड। मैं जा रही हूँ आंटी के पास, बाय शीरो बाय। इसको अब कोई नहीं है मतलब, खाने से मतलब नहीं। मैं जा रही हूँ, मेरे से बात ही नहीं की तूने पूरे टाइम से, तो अपने में बिजी था। अब क्यों जाना है, अब नहीं तू जा रहा, चल पीछे हो। मैं जा रही हूँ क्या, जब मैं थी तो बात तो की नहीं, तब तो किसी और के पास ही आपको मजा आ रहा था, मेरे को तो देखा ही नहीं। क्या मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्यों, पहले तो देखा ही नहीं, पूरा ध्यान तो कहीं और था। मैं नहीं लेके जाऊंगी अब, मैं लेके जाऊंगी, मैंने लेके जाना, मैं जा रही हूँ। गाइस, मुझे मेरे दो दोस्त मिल गए जिन्हें मैंने कार्ड दे दिया। ये देख इसको निकाल। यस, सो गाइस, ये है मेरे फ्रेंड आशीष, जिसे आप पहले जान चुके हैं। हाय हाय। और ये है अर्चित। हेलो। तो इन्हें भी मैंने विद फैमिली आना, ये नहीं अकेले अकेले आगे, तो ये मेरी फैमिली की तरह है, तो इन्हें मैंने कार्ड दे दिया है और अब मैं सीधा घर जाऊंगी। अब मिलते हैं आपको घर में। सो गाइस, मैं घर पहुंच गया और आज मैं आपको बहुत सही कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत सही करिए, पर मेरे लिए मेरी मेहनत है। मैं आपको अपनी बीएड से रिलेटेड कुछ दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग इतना काम देख के अमेज हो जाएंगे कि हम लोग बीएड वालों को कितना काम करना पड़ता है। तो चलिए आपको कुछ नई चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद में अपने मम्मा के रिएक्शन। लेट्स गो गाइस, अपना दिल संभाल लीजिए। और ये है मेरे मिनिएचर्स बीएड के, दिस इज माय मिनिएचर्स जो मैंने बनाए हैं। मैं सोच रही हूँ बेड वालों को भला कर देती हूँ, थोड़ा जूम करके कर दिखाती हूँ, किसी को कुछ बनाना हो तो बना ले। देखो कितना काम करना पड़ता है हमें, बीएड बोलते हैं ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, इतना डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है हम लोगों को। आई होप मेरा काम किसी की मदद करे। Let's now review my mother's reaction. तो मैंने मम्मा को बुलाया मेरे miniatures पे reaction देने के लिए। और ये मेरे मम्मा आते हुए। God, बहुत अच्छी है। मम्मी। मैंने करी इसे। मम्मा ने पहले भी देखे हुए हैं। मम्मी ने पहले की reaction दे दिया। देखो ना पास जाके देखो। देख रही है। बहुत अच्छा। आपने भी बनाए हुए हैं? नहीं, हमारे टाइम में नहीं। मेरी मम्मा ने भी बीएड करी है, जैसी माँ वैसी बेटी। मम्मा मेरे संस्कृत के टीचर थे, जो कोई नहीं पढ़ाता था, मम्मा भी पढ़ाती थी।
कैसा रहा मम्मी बच्चों के साथ? मम्मी मेरे को एक, एक, एक आपकी चीज बड़ी अच्छी लगती है, सबको पता होना चाहिए कि पेपर्स कैसे देते हैं। मम्मा बहुत अच्छा बताते थे, बताओ ना मम्मा पेपर देने, बच्चों को पेपर देने की टेक्निक बताएगी मम्मा, बताओ बताओ मम्मा, आप मुझे हमेशा बताते थे, बताओ ना, तू बता दे, नहीं आप बता दो, नहीं बताओ, बताओ ना मम्मा, मम्मा बताओ, बताओ ना, 11 बजने को 5 मिनट रहते तब करती थी तब मम्मी का दिमाग नहीं खाते थे बच्चे, अदरवाइज तो मम्मी मुझे आधा नंबर याद दिया, मैम आधा नंबर याद दे दो, वहां दे दो, मम्मी का मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था स्कूल में। सो गाइस इन्हीं मिनिएचरों के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी 20 चैट रहते हैं, किसी को मेरी मदद करनी हो जो कि बहुत ही मतलब मेरा फैन हो और मेरे चार्ट बना देगा, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें कि मैं आपके चार्ट बना दूंगा, मैं खुशी खुशी उससे चार्ट बनवा दूंगी। ठीक है, कीप वॉचिंग मी।